गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर सेल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 8। वी आर कंटिन्यू डिस्कस चैप्टर फर्स्ट। टुडे वी आर डिस्कस सम एग्जांपल्स। एग्जांपल फर्स्ट, सिंप्लीफाई फर्स्ट पार्ट, 8 अपॉन माइनस 15 प्लस 4 अपॉन माइनस 3। सेकेंड पार्ट, 4 अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन 5 प्लस माइनस 2 अपॉन 3 प्लस माइनस 11 अपॉन 5। वन बाई वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट, 8 अपॉन माइनस 15 प्लस 4 अपॉन माइनस 3, इसको हम ऐसे राइट करेंगे, माइनस 8 अपॉन 15 प्लस माइनस माइनस 4 अपॉन 3। अब इसमें एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का, 15 और 3 का एलसीएम, 3 एंड 15 का एलसीएम, 3 से डिवाइड करेंगे 1, ये 5 टाइम्स, फिर 5 से 1, 1 टाइम, 35 सा 15, तो एलसीएम आएगा हमारे पास 15। 15 में 15 का डिवाइड करेंगे 1, 1 को ऊपर वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 1, माइनस 15 में 3 का डिवाइड करेंगे 5, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा हमारे पास 8, 1 सा 8, माइनस 8, 4, 5 सा 20, अकाउंट में 50। प्लस कर देंगे, देखिए सेम साइन में प्लस होता है, 20 और 8 कितने हो गए 28, माइनस 28 अपॉन 50, दैट इज आंसर। सेकंड क्वेश्चन, 4 अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन 5, अब देखिए ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस 2 अपॉन 3, अगेन प्लस माइनस माइनस 11 अपॉन 5। एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर में हमारे पास डिजिट है 3 एंड 5, तो 3 एंड 5 का एलसीएम आएगा 3 5 सा 15, 15 में 3 का डिवाइड करेंगे 5, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 15 में 5 का डिवाइड करेंगे 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 15 में 3 का डिवाइड करेंगे 5, तो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 15 में 5 का डिवाइड करेंगे 3, 11 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सिंप्लीफाई करके इसको राइट कर देंगे, 4 5 सा 20 प्लस 3 3 सा 9 माइनस 2 5 सा 10 माइनस 11 3 सा 33 अपॉन 50। अब देखिए 20 प्लस 9 29, सेम साइन में ये भी प्लस हो जाएगा माइनस के साथ, 33 और 10 कितना हो गया हमारे पास 43, माइनस अपॉन में 50। प्लस माइनस माइनस होता है, 43 में से 29 माइनस कर देंगे तो आएगा 14, लेकिन माइनस का क्योंकि बड़े वाले डिजिट के साथ साइन किसका है, माइनस का, माइनस 14 अपॉन 50 आंसर। After that, next examples discuss करेंगे, example second. The sum of two rational numbers is minus 3 upon 5. If one of the number is minus 9 upon 20, find the other. According to the questions, दो rational numberों का sum हमारे पास कितना है, minus 3 upon 5. उसमें से एक number given है minus 9 upon 20. तो हमें दूसरा number find करना है. तो हम assume करेंगे let the number is x. अब इसके बाद according to the question, according to the question, question के according क्या कह रहा है, दो नंबरों का सम, एक नंबर हमारे पास ये वन है और दूसरा नंबर ये रहा, इनका सम किसके इक्वल, माइनस 3 अपॉन 5, तो कर देते हैं x प्लस माइनस 9 अपॉन 20, दोनों का सम किसके इक्वल, माइनस 3 अपॉन 5 को, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, x प्लस माइनस माइनस 9 अपॉन 20 इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 5। अब देखिए माइनस का 9 अपॉन 20 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस x इक्वल टू 9 अपॉन 20 माइनस
3 अपॉन 5। अब एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर में हमारे पास डिजिट 20 एंड 5, 20 एंड 5 का एलसीएम लेंगे, 5 से डिविजिबल है, 4 टाइम्स या 1 टाइम, 2 से डिविजिबल 2 टाइम्स 1 टाइम, अगेन 2 से डिविजिबल 1 टाइम्स 1 टाइम, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 टू द 10, 10 टू द 20, 20 एलसीएम। 20 में 20 का डिवाइड करेंगे 1, ऊपर वाले डिजिट 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, माइनस 20 में 5 का डिवाइड करेंगे 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 4, सिंप्लीफाई करके राइट करेंगे x इक्वल टू 9 वन जा 9 माइनस 3 4 जा 12 अपॉन में 20। अब देखिए प्लस माइनस 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 होता है, 12 में से 9 माइनस कर दीजिए 3, बड़ी वाली डिजिट के साथ नेगेटिव साइन तो माइनस कर दीजिए अपॉन में 20। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 20, और x हमने क्या अज्यूम किया था, वन नंबर, हैंस द नंबर इज माइनस 3 अपॉन 20 आंसर। आफ्टर दैट नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल थर्ड, सिंप्लीफाई माइनस 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 5 प्लस 9 अपॉन 5 मल्टीप्लाई माइनस 10 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 4, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस का 3 4 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर देखो ऐसे राइट करेंगे इसको, माइनस 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 5 प्लस 9 अपॉन 5 मल्टीप्लाई माइनस 10 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 4। अगर कैंसिल हो रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो कैंसिल कर सकते हो आप, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये कैंसिल नहीं होगा तो हम राइट करेंगे सिंप्लीफाई करके, माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5 प्लस 3 2 जा 6 माइनस का 6 अपॉन में 1 माइनस 3 1 जा 3, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 माइनस 6 अपॉन 5 प्लस माइनस माइनस 6 अपॉन में 1 माइनस 3 अपॉन 8। एलसीएम लेंगे, देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में 5 और 8 है आपके पास, तो 5 और 8 का एलसीएम क्या आएगा, 5 और 8 का एलसीएम फाइंड करेंगे, 2 से डिविजिबल है 5, 4 अगेन 2 से डिविजिबल 5, 2 अगेन 2 से डिविजिबल 5, 1 5 से डिविजिबल 1, 5 2 से 10, 10 2 से 20, 20 2 से 40, 40 एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, 40 में 5 का डिवाइड करेंगे 5 एट जा 40, 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 मल्टीप्लाई 8 माइनस 40 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 40, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 को माइनस 40 में 8 का डिवाइड करेंगे 5, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये आ जाएगा हमारे पास 6 8 जा 48 माइनस 6 4 जा 240, 40 इंटू 6 240 माइनस 3 5 जा 50 अपॉन में 40। अब देखिए तीनों नंबरों के साथ हमारे पास नेगेटिव साइन है, सेम साइन में प्लस हो जाता है, 240 48 और 15 को प्लस कर देंगे, 240 48 और 15 को प्लस करेंगे 8 5 13 1 कैरी, 5 5 प्लस 4 9 10 1 कैरी 3 आ जाएगा माइनस का 303 अपॉन में 40 आंसर।